जी गुड मॉर्निंग ग्रेट सिक्स। अच्छा बच्चों, हम लोग यूनिट नंबर 2 कर रहे हैं, ठीक है, लाइफ एंड लिविंग थिंग्स। ठीक है, टॉपिक उसका हम कर रहे हैं सेल। अब कल वाले टॉपिक में हमने क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और सेल वैक्यूल क्या होता है। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या है, व्हाट आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। मल्टी का मतलब होता है ज़्यादा, ठीक है, कि एक से ज़्यादा। तो अब हमें यहाँ पे भी नेम से पता चल रहा है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होंगे जिसमें आपके पास एक सेल से ज़्यादा होंगे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सेल्स होंगे। तो इसका आंसर हमारे पास मोस्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स के, बहुत सारे आपके पास एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, ठीक है, विच आर मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स, जो कि मिलियंस ऑफ सेल्स से बनते हैं। जैसे जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं, ठीक है, अनकाउंटेबल मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, जो क्या होते हैं, जॉइंट टुगेदर, जो कि एक साथ जुड़े हुए होते हैं और आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और इनको हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, डिफाइन लाइट माइक्रोस्कोप, कि लाइट माइक्रोस्कोप क्या होती है, ठीक है। तो अब आपके पास है द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड अ लाइट माइक्रोस्कोप, की जो सबसे कॉमन जो आपके पास एग्जाम्पल है ना किसी भी माइक्रोस्कोप की, वो क्या है, लाइट माइक्रोस्कोप है, ठीक है। अब इसको हम लाइट माइक्रोस्कोप क्यों कहते हैं, बिकॉज इट यूजेज लाइट की, ये क्या करती है, लाइट को यूज़ करती है टू इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट, ताकि जो ऑब्जेक्ट है ना उस पर हम रोशनी डाल सकें, ठीक है। तो इसके लिए लाइट को यूज़ करती है, ये आपकी बुक में भी आपको गिवन है, ठीक है। ये देखें लाइट माइक्रोस्कोप, और पेज नंबर 19 पे आपने इस क्वेश्चन के साथ ये डायग्राम भी लाइट माइक्रोस्कोप की ड्रॉ करनी है,